अगर आप दोबारा पूछेंगे तो भी मैं कहूंगा नहीं, अगर आप 3 बार पूछेंगे तो भी मैं कहूंगा नहीं, अगर आप 10 बार पूछते हैं तो भी मैं कहूंगा नहीं। दोस्तों मेरा नाम अर्पित है और आप देख रहे हैं योर टेक एडवाइजर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटो E5 प्लस के बारे में। मोटोरोला ने आज ही इस फोन को लॉन्च किया इंडिया में, और इससे पहले कि आप ये फोन खरीदें मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए बात करते हैं फोन की जरा सी स्पेक्स की। यहाँ पे आपको 6 इंच का पूरा 6 इंच का मिलेगा। जी हाँ, 18:9 वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो इसकी रेजोल्यूशन है 720p। क्या 720p रिजोल्यूशन है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, और यही एक ऐसा फीचर है जो इस फोन में मुझे अच्छा लग रहा है। और दूसरा अगर बात करें तो पीछे में आपको सिंगल रियर कैमरा मिल रहा है, 12 MP का है लेकिन सिंगल है, और फ्रंट में भी आपको 8 MP का एक कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो काफी नॉर्मल सी स्पेक्स हैं। लगता ही नहीं है कि ये फोन 2018 में लॉन्च किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे 2014-15 का फोन उठा करके और 2018 में लॉन्च कर दिया गया है। अब बात करें प्रोसेसर की फोन की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर मिलता है, और जो कि कंफर्म कर देता है कि ये फोन 2018 का बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो और भी चीज़ें हैं जो बहुत सारी जो इस फोन में मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो कि मुझे अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो है इसका बैटरी, 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और दूसरी चीज़ जो है, इस फोन का डिजाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो और अगर बात करें कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मुझे खरीदना चाहिए तो मैं कहूंगा नहीं, अगर आप दोबारा पूछेंगे तो भी मैं कहूंगा नहीं, अगर आप 3 बार पूछेंगे तो भी मैं कहूंगा नहीं, अगर आप 10 बार पूछते हैं तो भी मैं कहूंगा नहीं, आपको ये फोन नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि इसकी प्राइसिंग है 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये में आपको रेडमी का नोट 5 मिलता है, जो कि इससे बहुत ही बेहतरीन फोन है, और इससे अच्छी स्पेक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और रही बात बैटरी की, तो उसमें भी 4000 mAh की बैटरी है, और 6-5 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफी पावर एफिशिएंट है कंपेयर टू 430, तो जिसकी वजह से आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ वहां मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं। और Asus का Zenfone Max Pro M1 भी एक फोन है, अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड चाहते हैं तो, और इससे बहुत ही बेहतरीन कैमराज वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे डुअल कैमरा है, तो जाहिर सी बात है कि इससे अच्छी पोर्ट्रेट मोड वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये फोन लेने के लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।